नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लेक स्किल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था रेशे से धागे का निर्माण कैसे होता है, काउंट के बारे में। इन सब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धागा मिल के सबसे महत्वपूर्ण विभाग रिंग फ्रेम की। रिंग फ्रेम ही किसी भी मिल की आधारशिला होती है, जिससे ये पता चलता है कि यह यूनिट कितना बड़ा है। दोस्तों, रिंग फ्रेम मुख्य रूप से 6 भागों में बटा होता है। सबसे पहले क्रिलिंग, क्रिलिंग के बाद ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के बाद वाइंडिंग, बिल्डिंग और उसके बाद डॉफिंग। तो आइए जानते हैं आज रिंग फ्रेम के मशीन के पुर्जों के बारे में। क्रिलिंग जोन में सबसे पहले क्रिल, बाबिन होल्डर, बाबिन होल्डर के बाद हैंगर और रोबिंग गाइड रॉड, जो ये पीछे आपको रॉड दिखाई दे रही है। ड्राफ्टिंग जोन 3/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है, यानी 3 रोल। सबसे पीछे वाला धीरे धीरे घूमता है, मिडल वाला थोड़ा फास्ट और सबसे आगे वाला सबसे फास्ट। इस प्रकार रोबिंग को ड्राफ्ट करके धागा तैयार किया जाता है। इसमें मुख्य पुर्जे टॉप आर्म, जिसके अंदर की प्रेशर होता है, उसके बाद रोबिन गाइड, यह रोबिन को रास्ता बनाती है ताकि रोबिन इधर उधर ना भागे। रोबिन गाइड के साथ ही बिल्कुल बैक रोल और पिछला जोड़ा लगा हुआ है, जो कि धीरे धीरे रोबिन को अंदर पास करते हैं मशीन के अंदर, ड्राफ्टिंग जोन के अंदर। टॉप अपरन, यह दो अपरन होते हैं, एक बॉटम अपरन और टॉप अपरन, रेशों को आगे लेकर जाना इनका काम होता है। उसके बाद अगला जोड़ा, यदि कॉम्पैक्ट का सेट है तो एलिट जोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। एलिट जोड़े के बाद आप देखोगे नीचे 3/3 रोलर सिस्टम लगा हुआ है, यानी 3 रोल लगे हुए हैं, बैक, मिडल और फ्रंट रोल। तीनों रोलों की स्पीड सबसे बैक की कम होती है, मिडल की थोड़ा ज़्यादा और फ्रंट की सबसे तेज। तो तीनों रोल अलग अलग ड्राफ्ट करते हैं, मेन ड्राफ्ट और ब्रेक ड्राफ्ट। आगे वाला रोल मेन ड्राफ्ट, उसके बाद नोज बार पत्ती मिडल रोल और फ्रंट रोल के बीच में लगी है। बॉटम अपरन, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, ये एलिट अपरन है, एलिट ट्यूब के ऊपर लगा हुआ है। इसके नीचे आप देखोगे हवा का सेक्शन है और एक इंसर्ट भी लगा हुआ है। इंसर्ट, एलिट जोड़ा, एलिट ट्यूब और इंसर्ट, ये सब मिलकर धागे में हेयरीनेस की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि धागा स्मूथ और मजबूत बनता है। क्रैडल, क्रैडल मुख्य रूप से इसमें 4 पुर्जे लगे होते हैं, क्रैडल जोड़ा, क्रैडल पत्ती, स्पेसर एवं टॉप अपरन। स्पेसर, स्पेसर अलग अलग रंगों का और साइज का होता है, यह काउंट के अनुसार अलग अलग मोटाई का लगाया जाता है। स्पेसर का जो मुख्य काम होता है, बॉटम एवं टॉप अपरन के बीच में रेशों को आगे बढ़ने के लिए यह जगह बनाता है, जिससे कि रेशे आसानी से आगे आ सकें। ट्विस्टिंग या ऐंठन, धागे में ऐंठन देने के लिए जो मुख्य रूप से पुर्जे होते हैं, सेक्शन ट्यूब, सेक्शन ट्यूब के बाद आपका लैपिट हुक, लैपिट हुक के बाद ABC रिंग, ABC रिंग के बाद रिंग एवं छल्ला, या आप देख रहे हो छल्ला जो कि रिंग के ऊपर घूमता है, सेपरेटर जो कि हर एक स्पिंडल को अलग अलग रखता है। ट्विस्टिंग के लिए अगर हम किसी धागे का एक सिरा पकड़ के रखें और दूसरे सिरे को घुमाएं तो उसमें ऐंठन आती है। यही कुछ काम फ्रंट रोलर अगले जोड़े से धागे को पकड़ के रखा जाता है, दूसरे सिरे पे छल्ला घूमता है धागे को लेकर के, जिससे धागे में ऐंठन पड़ती है। छल्ले को अपनी कोई छल्ले की स्पीड नहीं होती, उसे स्पिंडल से जब बॉबिन घूमती है तो बॉबिन के घूमने से छल्ले के ऊपर जो प्रेशर आता है उससे छल्ला घूमता है। छल्ला जब घूमता है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घूमता है, तो जब भी ये घूमेगा धागे में ऐंठन आती है, जिससे धागे की मजबूती बढ़ती है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेचर्ड व्हील और लिफ्टिंग व्हील का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। रेचर्ड व्हील जो कि रिंग का डायामीटर सेट करता है,
बॉबिन का और रिचर्ड बील रिंग रेल को अप और डाउन करता है। फ्लाई कैचर जो कि छल्ले में फंसी फ्लाई को साफ करने के काम आता है। इसके अलावा रिंग रेल जो कि ऊपर नीचे चलती है, पेटी भी इसे कहते हैं। स्पिंडल टेप, एक टेप से चार स्पिंडल घूमते हैं। ब्रेक, ब्रेक जो कि स्पिंडल को रोकने के काम आती है। इसके अलावा स्पिंडल जो कि मुख्य पुर्जा है रिंग फ्रेम का। डॉफिंग जोन में सबसे पहले इंटरमीडिएट पैग जहाँ पे कि खाली बोमी रखी जाती है, डॉफर, ड्रम पुली और जॉकी पुली। ड्रम पुली जो कि टेप को घुमाती है और जॉकी पुली टेप को टाइट करके रखती है, टेंशन में रखती है जिससे कि टेप लूज ना हो जाए। एमरजेंसी तार डॉफर पे लगी हुई है। इसके अलावा बॉबिन और पैक ट्रे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर अवश्य करें।